ये देखिए गाइस, आज हम यम्मी टेस्टी नाश्ता बनाना बताएंगे आप लोगों को, जो कि बहुत आसानी से बनेगा और घर के बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट से मिलकर बनेगा और बच्चों और बड़ों सभी को भाने वाला है ये नाश्ता। और आप इसे टिफ़िन में भी रख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। तो चलिए अब देखते हैं, सीखते हैं बनाना अपना यम्मी टेस्टी नाश्ता। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, एक बाउल हमने ले लिया है आटा, ये वही नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटियां बनाया करते हैं। तो इससे हम छान लेंगे, क्योंकि बिना छाने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए। तो देखिए छान लिया है, अब इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून ऑयल, आप जो ऑयल खाएं वो ऐड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत टेस्टी नाश्ता गाइस बनकर तैयार होता है और बच्चे बड़े सभी इसके दीवाने होंगे, और सब लंच में भी आप इसको रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे और डो लगा लेंगे, थोड़ा हार्ड डो लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम लगा लेंगे डो। ये देखिए फुल कटोरी पानी ले लिया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम हार्ड डो लगाएंगे। और देख सकते हैं ये देखिए एकदम हार्ड डो लग कर तैयार है, ये देख सकते हैं आप। इसको हम ढक करके रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए हाफ कटोरी से भी कम पानी लगा था, तो ये देखिए गाइस इसमें हम ले लेंगे 1 लीटर के करीब पानी। इसको हम रखेंगे बॉयल होने, तो देख सकते हैं बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा ये नाश्ता। ये देखिए इस तरह से इसमें अब हम डाल देंगे 2 स्पून ऑयल, 1 से 2 स्पून ऑयल इसलिए डालना है हमको कि हमारा आपस में चिपके नहीं। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, इसको हम आटे को फिर से एक बार मसल लेंगे अच्छे से इस तरह से करते हुए। तो काफ़ी अच्छा स्मूथ आटा है, मतलब हार्ड लगाना है, हार्ड में ये स्मूथ हो गया है, तो काफ़ी अच्छा आटा है। इसी तरह से आटा लगाना है। और अब ये देखिए एक ले लेंगे सीज़र अपनी कैंची नॉर्मल, और इस तरह से देखिए पूरे आटे को लेकर के हाथ में इस तरह से हमें कट करना है आटे से। गाइस थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो गई है, जो दिखा नहीं पूरी अच्छे से बीच में। तो देखिए इस तरह से हम कट कर करके रख लेंगे सारा, देखिए सारे कट करके आ गए हैं, देख सकते हैं गाइस इसमें डिज़ाइन बनाई नहीं है, मगर कट करने की वजह से डिज़ाइन कितनी प्यारी बन करके आई है। और इसे आप नॉर्मल चाहें तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं कट करके चाकू से यानी नाइफ से, मगर हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए कैंची से कट किया, जो कि और थोड़ा इजी बन जाए। तो पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है, और अपने बॉयल पानी में सारे के सारे ये हमने ऐड कर दिए हैं, एक बार में जितने आसानी से आ जाएँ बस उतने ही डालने हैं। तो देखिए सारे के सारे आ चुके हैं, तो हम सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट कुक कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से हमारे ये कुक हो जाएं। तो ये देखिए देखिए ऊपर आ चुके हैं तैर कर हमारे, यानी कुक हो रहे हैं इसका इंडिकेशन है। और ये देखिए गाइस एक बात और गाइस, इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये जब अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे तो ये तली में बैठ जाएंगे, हम आपको आगे दिखाएंगे। तो इसी तरह से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, और ये देखिए गाइस हमारे कुक हो चुके हैं, तो देखिए तली में बैठ गए हैं, यही इंडिकेशन है कि हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। आप इससे फरे भी बोल सकते हैं आटे के, और आप इससे पास्ता भी बोल सकते हैं आटे के, आटा का पास्ता। तो देखिए बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है। तो देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे ताकि ये हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए सारे का सारा निकाल लेंगे और अलग अलग रखेंगे, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं और आसानी से ठंडे हो जाएं। तो वैसे तो हमने इसमें ऑयल लगाया है, तो ये चिपकना नहीं चाहिए, तो लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिए आप दूर दूर कर दें। देखिए सेम पैन ले लिया है हमने वॉश करके, उसमें अब हम बनाएंगे इस पास्ता के लिए बनाएंगे हम सॉस, क्योंकि पास्ता हमारा है तो ये बच्चे खाएंगे। तो ये देखिए 2 से 3 स्पून में डाल दिया है ऑयल, और ये देखिए इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून के करीब ज़ीरा, क्योंकि आप ज़ीरा नहीं डालना चाहते तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। ये ले लिया हमने 2 स्पून के करीब टमाटो सॉस, और 2 स्पून के करीब विनेगर, तो एक ही में हमने ऐड कर दिया, यानी सारा जितने भी हम सॉसेस लेंगे सब एक में ही ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए चिली सॉस 2 स्पून, ये देख सकते हैं। और अब हम ले लेंगे सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है इसलिए हम 1 ही स्पून ऐड करेंगे इसमें, और ये सारे हम मिक्स करके इसको रख लेंगे। देखिए एक एक आप सॉस ऐड करिए, तो उसमें जब हम पहला डालेंगे फिर हम सेकंड डालेंगे, तो उसमें जो समय होगा थोड़ा सा बीच में
उससे जलने जल सकता है सॉसेज हमारे, इसलिए हमने एक में ही करके रख लिए पहले से ही। और ये देखिए थोड़ा सा हमने डाल दिया है प्याज एक मीडियम साइज़ की, जिसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए बस उसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। और टमाटर की जगह आप अगर कोई और सब्जियां भी ऐड करना चाहते हैं जैसे शिमला मिर्च वगैरह है तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इसको टमाटर को भी अच्छे से पकाना नहीं, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए बस उतना ही हमें पकाना है। तो ये देख सकते हैं सारा का सारा हमारी सारी की सारी सब्जियाँ हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं और ऑयल भी छोड़ दिया। तो अपने अब इसमें सॉस ऐड करेंगे सारे जो हमने मिक्स करके रखे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से सॉस डालने से ना सॉस हमारे जलेंगे नहीं, एक साथ सारे सॉस पड़ जाएंगे उसमें, जो बीच में एक सॉस डालो फिर एक सॉस डालो जो बीच का समय होता है ना उससे सॉस जल जाते हैं। इस वजह से तो कि इसमें 2 स्पून हमने पानी ले लिया है, तो इससे क्या होगा हमारे सॉसों को पकने का टाइम मिल जाएगा सारे, और हमारे कटोरी में जो सॉस लगे हुए हैं वो भी छूट जाएंगे। तो देखिए इसमें डाल दिया इसे, ये डाल दिया पिज़्ज़ा सीजनिंग 1 स्पून के करीब, जो कि इससे क्या होगा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, टेस्टी लगेगा। और अब इसे हम पका लेंगे। देखिए अगर पानी ना डाला होता आपने तो ये पका नहीं पाते क्योंकि सॉस हमारा गाढ़ा हो जाता ज़्यादा इस वजह से। तो देखिए अब जो बनाए हुए हमने रखे हुए नाश्ता बनाया हुआ रखा हुआ वो इसमें डालकर हम मिक्स कर लेंगे और बस थोड़ा कुक कर लेंगे 2 मिनट के लिए और हमारा बन के तैयार है नाश्ता। तो ये देख सकते हैं, देखिए ज़्यादा नहीं पकाएंगे बस इतना ही पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पका देंगे ना तो जो हमारा नाश्ता है ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, जो कि ज़्यादा ड्राई हमारे घर में नहीं पसंद करता। आपके अगर ड्राई आप लोगों के यहाँ अगर ड्राई पसंद किया जाए तो आप ड्राई बना लीजिए। तो चलिए देखिए सर्व करते हैं, कितना टेस्टी कितना यम्मी लग रहा है नाश्ता देखने में कि ऐसे ही देख कर मुँह में पानी आ रहा है। ये बच्चे हों या बड़े सबको बहुत पसंद आने वाला है और ये आप नाश्ते में भी टिफ़िन में भी रख सकते हैं लंच बॉक्स में आसानी से। तो ये देखिए एक ये लंच बॉक्स सारी की सारी जैसे कि बॉयल करके रख लीजिए और ये सुबह फ्राई कर दीजिए, बहुत जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग ऊपर से ऐड कर दिए, तो ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।